अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर ऑटो कार डील। आज हमारे पास आई है करोला 10 मॉडल। ये गाड़ी का गैस्केट डल है और इसका फॉल्ट था गाड़ी का, हीटअप हुई थी हमारे पास आई, तो इसका फॉल्ट कोई ट्रेस नहीं हमने इतना कर सके क्योंकि हमने इसका गैस्केट डाल दिया, क्योंकि जब गाई तो गैस्केट जला हुआ था, पानी ठहर ही नहीं रहा था। सबसे पहले हमने इसका गैस्केट डाला है और फैन इसको ऑटोमेटिक पे छोड़ा हुआ है, लेकिन अभी गाड़ी काफ़ी गर्म हो चुकी है, गाड़ी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं इंजन धुआं निकल रहा है गाड़ी में से, ये देख सकते हैं गाड़ी इसकी स्टार्ट है, इंजन चल रहा है, आपको वजह थोड़ा क्लियर करके बता दूँ। ठीक है, अब इसमें मसला क्या है, अब इसका मसला क्या है, ये ग्रिप लूज़ है, ये देखिए ज़रा थोड़ा सा मैं क्लियर करके आपको दिखाऊँ, क्लियर करा ज़रा गौर से देखिएगा, ये फ़ैन बंद है, ये देख सकते हैं ये फ़ैन है, ठीक है जी, फ़ैन बंद है और ये ग्रिप इसका फ़ैन का लगा हुआ है, इसको देखेंगे हल आया तो चल पड़ा है, दूसरी बंद हो गया, ये अभी मैं हिलाऊं ज़रा, ये देखिए इस ग्रिप में मसला है या इस किट में मसला है, अभी ये इलेक्ट्रिशियन को ब्लॉक चेक कराते हैं। ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो गाड़ी के हीटअप का बस बनते हैं, हालांकि इसका गैस्केट बिल्कुल परफेक्ट था, रेडिएटर इसका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, रेडिएटर भी भाई ने काबिलियत जेन्युइन डलवाया हुआ है, पाइप इसके हर चीज़ जेन्युइन डली हुई है, बिल्कुल सही है, लेकिन मसला क्या था, ये ग्रिप का, ये देख सकते हैं आप, अभी इसको छेड़ेंगे तो बंद हो जाएगा, अभी फिर बंद हो गया, अब देख लें ज़रा ऑन हो गया, थोड़ा बंद हो गई गाड़ी, ये सीन है इसका जी। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक को बुलाएंगे, वो देखेंगे ये किट अगर ख़राब हुई तो किट चेंज करेंगे, नहीं तो ये ग्रिप जो है ना लूज़ होगा, इसके चेक करते हैं ग्रिप, इसके पहले नंबर पे चेक करेंगे इसके ग्रिप लूज़ हो गए होंगे, वो देखते हैं ज़रा ब्लॉक इलेक्ट्रिक को दिखाते हैं, लेकिन मसला इसमें है,